गोरखपुर पुलिस को आज सुबह एक और सफलता प्राप्त हुई। झंघा और खोराबार थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश की पहचान झंघा थाना क्षेत्र के भौठा निवासी हरिओम कश्यप उर्फ नाटे के रूप में हुई है, जिस पर अलग अलग थाने के क्षेत्रों में गैंगस्टर लूट समेत 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। SSP के मुताबिक आज तड़के पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान उसने मोटरसाइकिल से आ रहे 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दूसरा अपराधी फरार हो गया। साथ ही मुठभेड़ के दौरान 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हरिओम कश्यप उर्फ नाटे को गिरफ्तार किया गया है और ये पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। ये 25,000 रुपये का रिवार्ड इसके ऊपर था और अभी तक जो हमारी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें इसके ऊपर 18 मुकदमे हैं, और जिसके अंदर गैंगस्टर के भी मुकदमे, लूट के मुकदमे, गैंगस्टर के मुकदमे इसके ऊपर 2 बार है। ये मूलतः झंघा का रहने वाला है। पिछले महीने 13 जुलाई के दिन इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम हुआ था और रात में जब चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी तो पुलिस को देख के ये लोग फायरिंग कर रहे थे। इसके अंदर आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया, जिसके अंदर इसको गोली लगी है पांव में। इसके पास से एक जो है पिस्टल भी बरामद हुई है, बाइक भी बरामद हुई है। इसका एक साथी जो साथ में था फरार हुआ, उसकी तलाश की जा रही है। 3 पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुए हैं, जो मजरूफ है उसको मेडिकल हॉस्पिटल लेके गए हैं, जिसकी कंडीशन ठीक है। आवश्यकता के हिसाब से जो और मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाएगा, बाकी से जो विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।